सियासत में टाइमिंग बेहद अहम होती है। अब कमलनाथ को जिस शख्स की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था उनकी भी बात कर लेते हैं। वो शख्स हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया के लिए 2023 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव दोनों बेहद अहम हैं। बीजेपी लोकसभा की तैयारियां शुरू कर चुकी है और इसी कड़ी में माना जा रहा है कि सिंधिया को सुरक्षित मानी जाने वाली सीट से मैदान में उतारा जा सकता है और 2023 में उनका बीजेपी पूरे प्रदेश में प्रचार के लिए भरपूर इस्तेमाल कर सकती है, जैसा कांग्रेस ने किया था। अब वो कौन सी सीट हो सकती है, क्या रहेंगे समीकरण, देखिए हमारे विशेष संवाददाता अरुण तिवारी की ये रिपोर्ट। किस राह जाएंगे सिंधिया? 2027 तक राज्यसभा सांसद बने रहेंगे या फिर 2024 में लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? लोकसभा चुनाव की तैयारियां बीजेपी शुरू कर चुकी है। मध्यप्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से केवल एक सीट को छोड़कर बाकी 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। जाहिर तौर पर बीजेपी 2024 में इन सभी सीटों पर नतीजों को दोहराना चाहेगी। इसीलिए बीजेपी के अंदर खाने ये चर्चा बेहद जोरों पर है और वो ये कि सिंधिया को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए, मगर किस सीट से? पार्टी की राय शुमारी में ये बात भी सामने आई है कि ग्वालियर चंबल भले ही सिंधिया के प्रभाव वाला क्षेत्र है, लेकिन 2019 का चुनाव सिंधिया अपने ही समर्थक केपी यादव से हार चुके हैं। इसके बाद हुए विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल में कामयाबी हासिल की। वहीं हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव में ग्वालियर और मुरैना जैसे नगर निगम पर भी कांग्रेस ने झंडा फहराया। और तो और पूर्व सीएम कमलनाथ तो कह ही चुके हैं कि सिंधिया कोई तोप नहीं है। तो कौन है ऐसा? हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं है। अगर सिंधिया थे तो ग्वालियर का महापौर क्यों हारे, मुरैना का महापौर क्यों हारे, इतने बड़े तोप थे क्यों हारे? दूसरी तरफ कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल में सिंधिया को घेरने की पूरी प्लानिंग की है। ग्वालियर चंबल के चुनाव का जिम्मा संभाले हुए हैं दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह, जो कहते हैं कि उनका एक ही मकसद है, केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनवाना। मैंने 10 साल के लिए मुख्यमंत्री पद संभाल लिया, खूब संभाल लिया। अब मेरा उद्देश्य केवल एक है जीवन का, 2023 में सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की और 2024 में मोदी हराओ और भाजपा की सरकार हटा के कांग्रेस सरकार या भाजपा की विरोधी सरकार बनाओ। दिग्विजय का ग्वालियर चंबल में दखल बढ़ चुका है। जब सिंधिया परिवार कांग्रेस में था तो दिग्विजय क्षेत्र में दखल नहीं देते थे। सिंधिया गुना से चुनाव हारे हैं तो क्या ग्वालियर सीट से भी चुनाव हार जाएंगे? दरअसल ग्वालियर सीट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के चुनाव लड़ने की ज्यादा संभावना है। तोमर अपनी मुरैना सीट बदलने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि मुरैना में तोमर के लिए जीत की राह अब आसान नहीं रही है। अब ऐसे में सिंधिया को एकदम नई सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है और वो सीट हो सकती है इंदौर या भोपाल। बीजेपी का ये चौंकाने वाला फैसला हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कई कारण है। सिंधिया को लोकसभा चुनाव लड़ना है तो वो भी ऐसी सीट चाहेंगे जो बीजेपी के लिहाज से सुरक्षित हो। भोपाल और इंदौर ये दोनों सीटें पिछले कई दशकों से बीजेपी का गढ़ है। भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर और इंदौर से शंकर लालवानी पहली बार के सांसद हैं। 2019 में इन्हें टिकट देने के पीछे तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियां थी, न कि इनके चेहरे या फिर इनका कद। सिंधिया को यदि दोनों जगह से टिकट दिया जाता है तो कोई विरोध होगा नहीं। सिंधिया अक्सर कहते भी है कि उनका राजनीति में आने का मकसद जनसेवा है और कुछ नहीं। सिंधिया परिवार का इतिहास अगर आपने देखा हो, जो शायद आपने देखा होगा, हमारा एक ही मकसद है और वो है जनसेवा, वो है विकास, वो है प्रगति। इन दोनों सीटों से यदि सिंधिया को टिकट मिलता है तो बीजेपी का भी मकसद पूरा होगा। बीजेपी सिंधिया का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव के अलावा लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर करना चाहती है। मध्यप्रदेश की सभी सीटों पर उनको प्रचार प्रसार का जिम्मा सौंपा जाएगा। इसके अलावा उन्हें यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी भेजा जा सकेगा और ये तभी संभव होगा जब उनको ऐसी सीट से चुनाव लड़ाया जाए जहां हार की कोई गुंजाइश न हो और उस सीट पर सिंधिया को ज्यादा वक्त न गुजारना पड़े। अब इसके लिए सिंधिया राजनीतिक जमावट भी करने लगे हैं, उनके प्रदेश के दौरे भी बढ़ गए हैं। हर हफ्ते एक या दो बार वो प्रदेश का दौरा कर ही लेते हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो इसमें कोई शक नहीं है कि मध्य प्रदेश में विभिन्न लोकसभाओं में 2023 के चुनाव में वो पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और जो उनको दायित्व दिया जाएगा उस दायित्व का वो निर्वहन करेंगे,
कांग्रेस कहती है कि सिंधिया कहीं से भी चुनाव लड़े हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस का तो ये भी दावा है कि सिंधिया ने चुनी हुई सरकार गिरा दी तो लोग विधानसभा चुनाव में सिंधिया समर्थक और लोकसभा में सिंधिया को हराने की ठान चुके हैं। सामंतवाद खत्म हो चुका है और अब कहीं ना कहीं जो सिंधिया महल का और सिंधिया का जो जादू और तिलस्म था वो भी अब चकनाचूर हो चुका है। जनता जागरूक है, जान चुकी है 24 के चुनाव में आप कहीं से भी चुनाव लड़ लें, जनता आपको धूल चटाएगी। बहरहाल राजनीति और शतरंज के खेल में ज्यादा अंतर होता नहीं है, विरोधियों की चाल समझकर इसमें चालें चली जाती है। बीजेपी चाल चलने में माहिर है और चौंकाने वाले फैसले लेने में भी, इसीलिए सिंधिया 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ते नजर आए तो कोई हैरानी होना नहीं चाहिए। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।